आप सिलिकेट में हिमांशु जोशी जो है, उन्होंने कहीं ना कहीं एक सवाल किया था, उसका वक्त आ गया कि इस डेडिकेटेड वीडियो में हम कहीं ना कहीं आंसर आपके सामने प्रोवाइड करें। उनका जो सवाल था वो ये था कि इस एरा ऑफ क्रिकेट में, इस मॉडर्न एरा क्रिकेट में जो बॉलिंग की इंपॉर्टेंस है, फिर बॉलिंग का जो रोल है वो अब क्या रह गया है, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि आखिर T20 क्रिकेट में बॉलिंग का फ्यूचर, बॉलर्स का जो फ्यूचर है वो आप किस तरह से देखते हैं। तो ये क्लियरली इस एरा में उन्होंने बॉलिंग के बारे में बात करने की क्वेश्चन पूछा था कि आखिर बॉलिंग जो है इस एरा में आखिर कहां पर आप देख रहे हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस यहां पर रह गई है। तो चलिए फ्यूचर क्या है बॉलिंग का, ये भी जानने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इतना जरूरी है कि आखिर बॉलिंग की जो दशा है इस रिसेंट क्रिकेट में, वो आखिर किन वजहों से हुई है, वो वजह भी जानना बहुत जरूरी है। और तीन पहलू में हमने समझाने की कोशिश की है, और वो तीनों पहलू एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक पहलू पे जिम्मेदारी नहीं बनती, दूसरा और तीसरा पहलू भी इतना ही यहां पर जिम्मेदार बनता है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं, सबसे पहला पॉइंट कि आखिर किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बॉलिंग का जो ये हाल है मॉडर्न क्रिकेट में ये किन किन सूरतों में होगा। नहीं जरूर, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर फैंस, एक्स क्रिकेटर, कमेंटेटर्स और जो देखने वाले हैं, जो भी मैच देखते हैं, उनका ये बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि आज क्रिकेट बॉलिंग की जो दशा है वो इतनी बेकार हो चुकी है, बदतर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप देखते होंगे, इसलिए क्योंकि जहाँ बैटिंग पिच होती है वहां पर सब बहुत खुश हो जाते हैं, चाहे फैंस हो उनके लिए उनका अच्छा, कमेंटेटर हो क्रिकेट और एक्स क्रिकेटर वगैरह हो, वो इसमें कोई राय नहीं रखते कि इतनी बैटिंग पिच, इतना ज़्यादा पाटा विकेट आपने क्यों बनाया है, कभी क्वेश्चन खड़ा नहीं करते हैं। चाहे आप कहीं भी देख लें, पिछले साल भी वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, वहाँ पर भी कई पाटा विकेट मिले थे, कोई सवाल कोई कुछ नहीं हुआ। और लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा आते हैं बांग्लादेश के पिचेस पर, कभी हम नज़र डालें या कभी बहुत ज़्यादा उस पिच पर विकेट गिर रहा हो, बॉलिंग फ्रेंडली पिच हो, तो फौरन सवाल खड़े होना शुरू हो जाएगा। फैंस की तरफ से बेहुदा सवाल भी चालू हो जाते हैं, जिसका कोई सर पैर नहीं है, कैसी पिच बनाई है, क्या ये पिच है, क्या मजाक बना रखा है, क्रिकेट को मजाक बना रखा है। अच्छा, यानी कि बैटिंग होगी तो क्रिकेट है, बॉलिंग होते ही क्या क्रिकेट बना रखा है। बिल्कुल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, मैं इसी में आराम करना चाहूंगा। आप ही ने अपने क्वेश्चन में पूछा है कि 200-250 वाली पिचेस बना दिया, इसमें खूब ग्रहण पड़ते हैं व्यूज के लिए, आपका आपके खुद के वर्ड है। हाँ। तो आपने पूछा है व्यूज के लिए, तो आप खुद सोचिए वो व्यूज कौन दे रहा है, बस यानी उनको भी पता है कि मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस जो है वो इसमें हमें व्यूज देगी, तो क्यों ना हम यही करें। बस यही दिक्कत है, हम और आप जैसे डेलीगेट भी आपकी तरह पूरी सहमत है, जो आप कहते हैं कि बॉलिंग क्रिकेट हो, एक कॉन्टेस्ट हो, वो हम भी, आप भी जानते हैं कि हम भी इस चीज के फेवर में रहते हैं। 200-250 वाली क्रिकेट हमें समझ नहीं आती, वो फालतू क्रिकेट होता है। तो हम और आप जैसे कितने मिलेंगे आपको, बस आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मेजोरिटी कितने की है। अगर 7-3 का रेशियो है, 8-2 है, 7-3 बहुत ज्यादा हो गए। 20 कमेंटेटर्स अगर हैं तो उसमें से आप 2 का बयान सुन लेंगे कि हाँ जो है ये बहुत अच्छी कॉन्टेस्ट फुट पिचेस, 18 वही कहेंगे अरे ये पिचेस ढंग की नहीं लग रही है, बस कम से कम 180-190-200 पढ़ने चाहिए, ऐसी पिचेस होनी चाहिए, ऐसा मोड वो उसमें ज्यादा तारीफ करते हैं वो 20 में से 18 कमेंटेटर। तो ये 15 भागी हुआ, ये गलती हुई है। उसके बाद बात करते हैं हम फैंस, फैंस में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत गिने चुने फैंस मिलेंगे, मान के चलिए 100 में से 10% ऐसे मिलेंगे जिन्हें इस तरह के मैचेस में देखने में इंटरेस्ट होता है। 115-120 में मैच लड़ जाए, जो आप बात कर रहे थे 120-130 में मैच कॉन्टेस्ट हो, नहीं, उन्हें क्या लगेगा अरे ये क्या बकवास क्रिकेट हो रहा है, हर 15 मिनट में विकेट गिर जा रहा है, कोई हमारे सो कॉल्ड फेवरेट जो हमारे जो हाइड्रो प्लेयर्स है वो रन नहीं कर पा रहे, 50-50, 100-100 नहीं मार रहे, ये सब ये आ जाती है दिक्कत फिर फैंस के बीच में भी। तो जो व्यूअर है, जो आप व्यूज की बात कर रहे हैं, देखिए आप खुद कह रहे हैं कि व्यूज के लिए वो करते हैं, तो वो व्यूज दे कौन रहा है, वही तो ऑडियंस है जो हमारे आपके साथ बैठकर मैचेस देखती है। तो दोष सिर्फ इस तरफ का नहीं है, ये भी एक सबसे बड़ा पहलू है कि क्या फैंस वो हमारे पास अब बचे हैं इस मॉडर्न क्रिकेट में जो देखना चाह, और बचे हैं तो क्या उनकी तादाद इतनी है कि वो स्पॉन्सर, व्यूअरशिप, बिजनेसमैन, ICC सबके जेबें भी भर सके। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है उन लोगों, और अब ये हो क्या गया है, और पहले क्यों हो पाता था, क्योंकि पहले क्रिकेट को भी प्रायोरिटी दी जाती। जरूर, जरूर। आज एक सीरीज हो, एक इवेंट हो, कुछ भी हो, एक टूर्नामेंट हो, उसमें सबसे पहला प्रायोरिटी ये रहता है कि भैया हमें बिजनेस कैसे निकालना है, इस सीरीज से पैसे कैसे निकाल रहे, तो पैसे वाली चीज को प्रायोरिटी देकर उस पैसे से जो जिस जहां पैसा आएगा वहां पर मुजरा होगा, ना कि क्रिकेट होगा। बिल्कुल सही, सीधी सी बात है, ये तमाशा कह ले, मुजरा कह ले, बस ये थोड़ा बहुत देसी लैंग्वेज में हो जाता है, लेकिन जहां पैसे की बात आ जाएगी वहां क्रिकेट खत्म हो जाता है, और जहां उल्टी सीधी हरकतें और सब चीजें, एंटरटेनमेंट
चालू हो जाए। बिल्कुल सही कहा, आजकल जो क्रिकेट है वो एंटरटेनमेंट और बिजनेस का जरिया हो गया है, किसी को नहीं पड़ी है कि एक अच्छा क्वालिटी क्रिकेट हम प्रोवाइड करें कि नहीं। सबसे पहले देखते हैं बिजनेस कहाँ से आएगा, और बिजनेस आएगा खूब चौके छक्के पड़ेंगे, फैंस बहुत खुश होंगे, और फैंटेसी वाले सट्टे बाजार वाले बोलो भी बहुत बड़े चीजों में कि खूब रन पड़ रहे हैं, चौके छक्के पड़ रहे हैं, तो उस लिहाज से वो पहले देखते हैं बिजनेस को सेटल करते हैं, कुछ ऐसा फिर बाद में देखा जाएगा क्रिकेट विकेट की क्वालिटी गई ऐसी की तैसी उनकी क्या फर्क पड़ता है। तो उसकी तादाद जो आप कह रहे हैं उसकी बहुत कम है फैंस में भी, फैंस को भी बड़ा मजा आता है जब खूब चौके छक्के पड़ते हैं या फिर बड़े बड़े सिक्सेस यहाँ पर पड़ते हैं। आप देखेंगे विकेट गिरने पे जो है फैंस आपको उतने खुश नजर नहीं आएंगे जितने लंबे लंबे छक्के गिरने पे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर वन। अब कनेक्ट करते हैं इसी को दूसरे से, और दूसरा जो है उसके बाद अब यहाँ पर आ जाता है आईसीसी का इन्वॉल्वमेंट, और इन्हीं सब रीजन की वजह से, मेजर रीजन की वजह से उन्होंने आपसे धीरे धीरे बना दिया है बैटिंग फ्रेंडली क्रिकेट। समझाने की कोशिश करें कैसे, बहुत आसान है इसे समझना, और जैसे बैटिंग फ्रेंडली के लिए आसान कर दिया गया है, बाउंड्रीज को छोटा कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो यही, पहले बहुत बड़ी 75-80-85 मीटरों का भी ग्राउंड हुआ करता था। पहले आप चले जाए इंग्लैंड में, चले जाए वेस्ट इंडीज में, आप चले जाए इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े ग्राउंड हुआ करते थे, बहुत बेहतरीन लगता था देखने में। 2010 तक हुआ करते थे। बिल्कुल, तो अब जाकर समेट समेट कर 60 मीटर, 65 मीटर, 59 मीटर का ग्राउंड किया गया है। 55 मीटर का होता है स्क्वायर लेग का, और पीछे के एरिया तो 55 मीटर के एरिया होते हैं, बस टच करो और बाउंड्री पार। तो खैर ये बैटिंग फ्रेंडली के लिए बना दिया गया है। पहले एक बॉल से पूरा 50 ओवर होता था, पूरा एक बॉल से पूरा 50 ओवर हो जाता था, उसमें रिवर्स स्विंग देखने को मिलती थी, कमाल की रिवर्स स्विंग होती थी बॉल पहले, और उसका अलग ही अपना मजा था। लेकिन अब वो नहीं रह गया, क्यों? क्योंकि दो बॉल का इस्तेमाल होता है, और उसमें फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस, उसमें हम आएंगे तीसरे पॉइंट पर, लेकिन अभी फिलहाल अभी यहाँ रहते हैं, दो बॉलों का इस्तेमाल हो गया है, तो रिवर्स स्विंग तो रेयर दिखती है, बहुत ही कम नजर आती है, और फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन क्या क्या मजाक बना के रख दिया है। पहले 10 ओवर में इतने फील्डर, फिर 40 ओवर में शॉट खुलेंगे, फिर आपके 10 ओवर बाद और 5 फील्डर बाहर हो जाएंगे, और T20 में भी अब अजीबोगरीब रूल आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन लीग से उठा उठा कर कौन कौन से रूल आ जा रहे हैं। बिल्कुल सही, और इसी में T20 में अगर आप देखें, अगर आप 19 ओवर तक इतने टाइम पर खत्म नहीं करेंगे तो लास्ट ओवर में आपको फिर से कुछ फील्डरों को अंदर लाना है, ये भी बैटिंग फ्रेंडली है, ये कम्प्लीटली बैटिंग फील्ड। क्यों? क्योंकि लोगों को मजा आ रहा है, लोगों को मजा आ रहा है, लोग इसको क्रिटिसाइज करें, खुला होकर सामने आए, और जब भी 120 पर कोई टीम ऑल आउट हो जाए वो सीधे पिच की तरफ देखते हैं, तो उस मैच को कहते हैं क्या बकवास मैच हो गया। लेकिन 220 पंडे में वो नहीं कहते कि क्या बकवास बल्लेबाज की तारीफ होगी, कहेंगे 220 पंडे में भी कहेंगे, लेकिन उसकी तादाद इतनी कम होगी कि जू भी नहीं रहेंगे। बिल्कुल, मान के चलिए कोई चूहा आवाज कर रहा है, हाथी को क्या ही सुनाई देगा। वो हाल होता है उन फैंस का जिन्हें सच में क्वालिटी क्रिकेट पसंद है, कि वो बॉलिंग बैटल दोनों का बैटल देखना चाहते हैं, और अगर बैटल हो भी रहा है 110-115 में तो वो पिच का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पर हमें ये चीजें होती है कि बैटिंग फ्रेंडली रूल्स कितने इस वजह से और ज्यादा डाले जा रहे हैं। आप देखिए, सुनने में आया कहीं ना कहीं सामने हमारे आर्टिकल वगैरह आ जाते हैं, आखिर हम छुप कह सकते हैं, सामने तो हमारे आ ही जाते हैं, कि लंकन प्रीमियर लीग में मेरे ख्याल से कोई ब्लास्ट सुपर ब्लास्ट या ऐसे कुछ नाम से कोई अब एक नया फॉर्मेट लेकर आए, जहां पर 16वें और 17वें ओवर में फील्डिंग को वापस से अंदर कर लिया जाएगा, सिर्फ 4 फील्डर ही बाहर होंगे 5 के बजाय। देखिए आप, और क्या पता धीरे धीरे ये जाके बिग बैश में चला जाए, फिर आईएल में चला जाए, फिर आईपीएल में आ जाए, और फिर वर्ल्ड कप में आ जाए। देखिए फिर से और बैटिंग फ्रेंडली बढ़ा कर रख दिया गया, तो वही है। और फिर जो आयन आपने उसकी बात की कि बाउंड्री एरियाज को जो कम किया गया है, कई सारे ऐसे शॉट्स हैं जो शायद कैच आउट होते हैं, लेकिन बाउंड्री को छोटा करने के चक्कर में वो सब पार गिरते हैं, तो बॉलर्स का ओवर पूरा खराब हो जाता है। आपने भी कई ऐसे शॉट्स देखे होंगे अनगिनत जो ऑलमोस्ट पीछे गिरते हैं और वो छक्का हो जाता है, लेकिन अगर पहले के ग्राउंड्स होते आज से 7-8 साल पहले के, तो हमें वो सब कैच आउट में नजर आता। तो बैटिंग फ्रेंडली भी बहुत ज्यादा करने की कोशिश की गई है, और उसके पीछे भी घूम फिर कर आजकल के जो फैंस हैं जिन्हें बहुत चौका छक्का धूम धड़क्का एंटरटेनमेंट पसंद है बजाय क्रिकेट के, वो उस चीज को देखते हैं। जैसे कि टेस्ट की हम बात कर ले, 4 दिन तक सब सोए रहते हैं, कोई टेस्ट देखता भी नहीं है, और 5वें दिन ये आपको ही पता होगा, 5वें दिन अगर वो टेस्ट ने बड़ा अच्छा शेप लिया है तो अचानक से सारे उठ के फोटो वहां से खींच कर अपने सोशल मीडिया पेज पे डालते हैं, टेस्ट क्रिकेट इज अ लव, टेस्ट क्रिकेट ये है, टेस्ट क्रिकेट वो है। और जाकर देखिए उन 4 दिनों में व्यूअरशिप तक नहीं आई। और ये मत सोचिएगा कि जो भी हमें सुन रहे हैं कि सोशल मीडिया में तो हम बहुत इसका हाइप सुनते हैं कि बॉलिंग, बहुत तारीफ सुनते हैं कि बॉलिंग पिच का भी बहुत तारीफ हो रही है या बैटिंग पिच की तारीफ हो रही है, वो सोशल मीडिया तक ही है, सोशल मीडिया कभी रियल वर्ल्ड में हावी नहीं होता है, वो सोशल मीडिया में ही रह जाती है उनकी बातें। यहाँ सोशल मीडिया में अगर कोई बात कह रहा है वो बिल्कुल अलग है,
और रियल वर्ल्ड में आकर जमीन और आसमान का फर्क नजर। बिल्कुल सही कहा। अब आप अपने देख लीजिए, अगर आप ही अपने देखेंगे, आपने अपने इर्द गिर्द देखेंगे, जो आपके फ्रेंड्स होंगे या कोई भी होंगे, वो आपके सामने कह सकते हैं बॉलिंग फ्रेंडली होनी चाहिए, कुछ कॉन्टेस्ट होना चाहिए, और जैसे ही वो पर्सनली अपने घर में जाएंगे कहेंगे क्या बात है, लगा दो तीन छक्के यार, लेकिन यू नहीं कहेगा लगा एक, चले को एक तो विकेट निकाल, अच्छी सीन देखने को मिले, स्विंग देखने को मिले। तो ये हिपोक्रेसी वो सामने कुछ और होती है, पीठ पीछे आपको ये भी फैंस मिलेंगे जो सामने तो कहेंगे लेकिन उन्हें अंदर जाकर वही पसंद है, धूम धड़ाका चौका छक्का T20 क्रिकेट का जोरदार तमाशा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। फिर ये चीजें निकल कर आती है कि हाँ बॉलिंग फ्रेंडली कितने लोग चाहते हैं या बैलेंस पिच कितने लोग चाहते हैं, इसकी तादाद बहुत कम है, जिसकी वजह से ICC और ये सब भी जो है व्यूअरशिप की तरह, आप जैसे खुद कहा कि व्यूअरशिप के लिए वो ऐसी पिच बना रहे हैं, तो आप सोचिए व्यूअरशिप दे कौन रहा है। बिल्कुल, ये एलियंस तो ऊपर से बैठ के नहीं देख रहे, हम और आपके आसपास के पब्लिक ही है, तो वही भर भर के पब्लिक जो कहती है कि नहीं कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा, और कॉन्टेस्ट नहीं हो तो व्यूअरशिप क्यों दे रहे हो भाई, व्यूअरशिप देना बंद कर दो। आपने देखा एक मैच में पाटा विकेट है, सब बंद कर दो व्यूअरशिप देना, क्रिटिसाइज करो उन पिचेस को, कोई नहीं करता, जो करते भी है 5-10% है। लास्ट जो पॉइंट है यान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैच भाई, ये उम्मीद है कि आप अभी तक बने हुए होंगे और आप बने हुए भी होंगे आप, ये जो पॉइंट है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि आज बॉलिंग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क में नजर आता है। जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए है क्या कि जो आज बॉलर निकल रहे हैं आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा वाइड बॉल क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं, ये गौर करने वाली बात है। रेड बॉल क्रिकेट जो है वो कम खेल रहे हैं, इसलिए अभी वो तीसरा पॉइंट आया नहीं है, वो अभी ज्वाइंट होगा। वाइड बॉल क्रिकेट बहुत खेलते हैं अपने अर्ली करियर, अगर आप देखेंगे डोमेस्टिकली करियर या उससे भी एकेडमिक करियर, यहाँ से वाइड बॉल क्रिकेट में बहुत ढाला जाता है इन बॉलर्स को, जो अब इस ईरा की अगर हम बात करें, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बॉलर के अंदर जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा डाउन चली गई, गिरी है, गिरी, खत्म हो गई, गिरी बहुत खत्म हो गई। आप आज से 20 साल पहले उठाएं और आप उठाएंगे, जमीन और आसमान का फर्क आपको मालूम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा रीजन, अगर आप सोच रहे होंगे कि क्वालिटी को कैसे इसमें इम्प्रूव किया जाता है, नहीं करने की कोशिश है किसी की भी तरफ से, और ये रेड बॉल खेलकर बहुत ज्यादा इम्प्रूव होती है क्रिकेट। जैसे जैसे आप अकेडमिक लेवल से उसके बाद डोमेस्टिक लेवल पर जाएंगे, रेड बॉल को आपको फोकस करना होगा, लेकिन रेड बॉल को फोकस प्लेयर करते नहीं है, क्यों? क्योंकि आप मनी ने उसकी जगह काफी ली। क्यों? वाइड बॉल में कॉर्पोरेट लीग्स बहुत ज्यादा होते हैं, ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद ये किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्वालिटी यही खराब हो गई। कॉर्पोरेट लीग्स स्टेट बाय स्टेट, प्रोविंस बाय प्रोविंस इतनी ज्यादा हो गई है कि रेड बॉल क्रिकेट को मजाक बना के रख दिया, देश गेम कोई नहीं खेलना चाहता। आप इंग्लैंड का काउंटी उठा के देख लीजिए, देख लीजिए आप, वहां पर भी आप देखें 100 सब वाइड बॉल की तरफ भाग रहे हैं, फटाफट 100 ब्लास्ट ये सब में जा रहे हैं, लेकिन रेड काउंटी में बहुत कम ध्यान है किसी का। वहां बाहरी प्लेयर आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं टीमों के लिए, तो हमें लगता है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर रेड बॉल क्रिकेट में काफी कम ध्यान अब दिया जाता है आज से 20 साल पहले के मुकाबले अगर हम देखेंगे। वाइड बॉल में अर्ली स्टेज में भी, डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल में भी आकर वाइड बॉल में काफी फोकस किया जाता है, उसका रीजन है बहुत बड़ा मनी को लेकर जो सर पर सवाल। बिल्कुल, तो ये क्लियरली है कि क्वालिटी जो है बॉलर्स की वो भी काफी गिरी है, और यही सब रीजन की वजह से वो भी उस तरह भागने की कोशिश करते हैं, और वो जो एक हम इससे सीखेंगे, हम एक नया तरह की बॉलिंग सीखेंगे। आप देखेंगे रविचंद्र अश्विन, रविचंद्र अश्विन जो है वो इस तरीके की चीज है जो वो लगातार कोशिश करते रहते हैं कि मैं कुछ नया सीखूं या कोई नई तरीके की बॉल ट्राई करूं। उस तरीके की जो गड़ी नाथन लियोन है ऑस्ट्रेलिया के, वो कोशिश कर रहे थे इनका रेड बॉल, उनको पीछे सिर्फ मैच में देखेगा उनका, आपको थोड़ी सी उनकी बैक स्टेज स्टोरी भी देखनी पड़ेगी कि वो क्या कर रहे हैं बाकी 11 महीनों में। ये कुछ प्लेयर्स हैं और भी मेरे नाम में जहन में थे, मेरे ख्याल से मार्को जैनसन भी है साउथ अफ्रीका के, वो भी कोशिश कर रहे थे कुछ नए ट्राई करने की। जब वो नए नए आए थे तो आप उनकी देखेंगे उनकी वेरिएशन कुछ और थी, और अब हम कुछ और ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो ट्राई करते हैं कुछ नया सीखे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ तादाद की नहीं, नहीं वो कोशिश नहीं कर रहे, वो सिर्फ एडम कर रहे हैं कि 4 ओवर करा कर हमें बस बचना है। बिल्कुल, 10 ओवरों में 2 विकेट निकालूं मैं, 4-5 की इकोनॉमी बच के निकल लूं, बस मुझे बचना है वाला कॉन्सेप्ट बॉलर्स आजकल ज्यादा अपनाते हैं। और इसी में कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स भी हैं कि देखिए उन्हीं पिचेस पर, उन्हीं टफ कंडीशंस पर, उन्हीं बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स पर कुछ कुछ बॉलर्स इतना कमाल कर जाते हैं, एंड मैं चाहूंगा उनके एग्जांपल से आखिर वो कैसे कर ले रहे हैं, क्यों उन्होंने अपने चीजों पर, अपने फोकस पर, अपने डिटर्मिनेशन पर बहुत तगड़ा काम किया है कि नहीं मैं पिचेस के सहारे तो नहीं रहने वाला बॉलर बनना चाहता। वो आप खुद सोचिए, वो बॉलर ही क्या
जो पिचेस के सहारे। हाँ जी हाँ, एक स्पिनर को अगर टर्न नहीं मिले तो वो किस बात का स्पिनर है, क्या क्वालिटी फिर उसकी रही कि वो स्पिन होगी तभी विकेट लेगा। एक पेसर, एक सीम स्विंग करने वाला बॉलर, अगर वो सिर्फ पिच अगर पाटा है और उससे कुछ हेल्प ही नहीं निकाल पा रहा तो फिर आखिर वो क्या है, कुछ और तरीके से निकाल पा रहा विकेट लेने का, तो वो किस बात का बॉलर है। एंड समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो क्वालिटी बॉलर। जरूर देखिए, हेजलवुड जो है वो बहुत बेहतरीन कमाल के एग्जाम्पल है। फॉर्मेट को अगर आप देखें, यार हम सभी क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो एक खास फॉर्मेट को लेकर, तीनों फॉर्मेट में क्या बॉलर है वो, क्या बुमराह को आप देखें, जसप्रीत बुमराह क्या कमाल के इसी ईरा में एक ऐसे बॉलर हमें देखने को मिले हैं जो कमाल की बॉलिंग करते हैं, क्या नई बॉल क्या पुरानी बॉल, क्या थ्रेटनिंग पैदा करते हैं वो सामने वाले टीम के लिए। और आप देखें एडम जाम्पा भी जो एक स्पिनर है वो काफी बेहतर है। हम उनके उनके इर्द गिर्द के स्पिनरों को अगर हम देखेंगे इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में अराउंड में, क्या ये स्पिनरों का हाल है जो आप देख रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक एडम जाम्पा है, आदिल रशीद भी एक बहुत बेहतर। और मैं इसमें एक और एडम करना चाहूंगा, आप खुद ये मानेंगे कुलदीप यादव ने खुद पे बहुत बहुत काम किया है, बहुत बुरी हालत थी उनकी, बहुत ही बुरी, बहुत ज्यादा रन के लिए प्रेडिक्टेबल लाइन ऑफ लेंथ उनकी हो रही थी, उन्होंने काम कर कर आए हैं, बिल्कुल बैठ कर सिर्फ ऐसे निकाल दिया गया टीम से, बिल्कुल टीम से निकाला गया था, एक साल बाहर रहे, बहुत मेहनत की अपने ऊपर, और उसके बाद जब वो रिटर्न आए तो जब उन्होंने परफॉर्म किया तो आप देखिए एक अलग कुलदीप यादव हमें नजर आए हैं, बहुत बेहतरीन इकोनॉमी के साथ विकेट भी निकाल रहे हैं। तो जरूर इसमें एक और नाम आप पता नहीं मानेंगे या नहीं, नसीम शाह फ्रॉम पाकिस्तान, बहुत टैंक, बहुत रिवर्स स्विंग बॉलिंग वो कराते हैं, वो पाकिस्तान की फ्लैट पिचेस पर रिवर्स ऐसी बॉलिंग कराते हैं ऐसे मशाल अनप्लेबल हो, आपने मैच देखे होंगे। जरूर कमाल के बॉलर है, एक बॉलर और है लेकिन उन्हें कोई वैल्यू नहीं देता, बिल्कुल कोई उन पर ध्यान नहीं देता, वो है मोहम्मद अब्बास। इस तरह के बॉलर्स की हिमांशु भाई जरूरत है। हाँ। आप देखिए वो क्या इस तरह के बॉलर कहाँ पर हैं, देखिए काउंटी वगैरह खेल रहे, ये अहमियत रह गई है आजकल बॉलिंग की, क्वालिटी बॉलिंग होती है। आप सही कहा, अब्बास स्टोक्स ने भी उनकी तारीफ की थी 2018 में जब दौरा हुआ था, बहुत उनके कंधे पे भी हाथ रखा था उन्होंने, वो फोटो मुझे अभी भी याद है। जबरदस्त बॉलर है मोहम्मद अब्बास, रिवर्स पॉलिटिक्स के शिकार हुए, बहुत पॉलिटिक्स के शिकार हुए हैं, उन जैसा बॉलर क्रिकेट को चाहिए जो जो बचा सकता है। देखिए इसी दौर में यही तो ये भी तो हैं, बुमराह, हेजल, कुलदीप यादव, नसीम शाह, एडम जाम्पा, नसीम शाह, अब्बास जो आदिल रशीद, आदिल रशीद, इसी मॉडर्न क्रिकेट में है जो कितनी बेहतरीन बॉलिंग कराते हैं, पिचेस किस तरीके की भी हो तो जरूर है। तो ये बहुत बड़ा एक है कि क्वालिटी जो है बॉलर्स की आज वो गिरी है, गिरी। और इसका बहुत बड़ा रीजन है कि वो रेड बॉल क्रिकेट को इतना वैल्यू नहीं देते, जूनियर से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से इंटरनेशनली वाइड बॉल में ज्यादा फोकस रखते हैं, और वाइड बॉल से इतना इंप्रूवमेंट कभी भी बॉलर के में, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, अपने बॉलर के करियर में कभी इतना इंप्रूवमेंट नहीं आ सकता कि वो वाइड बॉल को इतना ऊपर लेवल पर जाकर इतना फोकस करे, रेड बॉल पर ध्यान देने की थोड़ी जरूरत होती है। ये एक बेस्ट केस सिनेरियो बन जाता है कि 100 में से शायद 5 लोग ऐसे हैं जो हाँ खेलकर आगे बढ़ गए, लेकिन 95 के केस में ऐसा ही रहेगा कि रेड बॉल को आपको तरजीह देनी होगी, इंपॉर्टेंस देनी होगी, अगर आपको हर कंडीशन में हर जगह अपने आप को बेस्ट साबित करना। बिल्कुल, वो एक आर्ट जो है ना, जो एक आर्ट आती है वो आर्ट रेड बॉल से ही आएगी, वहीं से आएगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए एक्सेप्शन जिसकी आप बात कर रहे थे कि 5 कोई बेस्ट स्पिनर में निकला है, देखिए डेविड वॉर्नर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला, आप बताइए लेकिन कितने ऐसे हैं जिन्होंने नहीं खेला और वो बन गए, तीनों फॉर्मेट में, खास करके लॉन्गर फॉर्मेट पे बहुत ही कम, बहुत ही कम, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटी गिरी है, बॉलर्स मेहनत नहीं करना चाहते, बॉलर्स लर्न नहीं करना चाहते, क्या यार वहाँ 4 ओवर में किफायती डालू तो मेरे को 15-20 लाख करोड़ मिल जा रहे हैं, 1-2 करोड़ मिल जा रहे हैं, क्या करना है। मनी क्रिकेट की क्वालिटी, हमें बॉलिंग की क्वालिटी अच्छी करनी है, इसके बारे में बॉलर्स को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, लेकिन बॉलर्स भी रिस्पॉन्सिबल है नहीं। तो ये सारे रीजंस हैं कि बॉलिंग आज का आपको, सबसे पहला रीजन है जो बैठ कर देख रहे हैं टीवी के इस पार, मोबाइल के इस पार, और जो कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं वो भी बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर बनकर आते हैं। हम और आप जो फैंस हैं वो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी क्रिकेट चाहते हैं उन लोगों के लिए डिसअपॉइंटमेंट आगे भी बनी रहेगी। आपने पूछा फ्यूचर क्या है, बहुत डार्क, बहुत डार्क है, क्योंकि सबसे पहले हमें फैंस को ही बदलना पड़ेगा। अगर फैंस क्वालिटी क्रिकेट की डिमांड करेंगे, क्वालिटी बॉलिंग और बैटिंग दोनों कॉन्टेस्ट की डिमांड करेंगे, तभी कुछ हो सकता है, पर लेकिन फिलहाल ये दूर दूर तक नहीं है। बैट्समैनों आज भी छक्का पड़ने पे ज्यादा शोर होता है बजाय विकेट गिरने के, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डॉट बॉल्स निकल रही हो, क्या पका रहा है आप फैंस की तरफ से सुनेंगे, क्या पका रहा है, क्या बोर कर रहा है, क्यों वो फैंस ये क्यों नहीं कहते, क्या बॉलिंग करेंगे, 4 डॉट निकाल, वो कब बोलेंगे जब अपने देश बॉलिंग करा रही हो और 4 डॉट निकाल दिया, तब कहेंगे वाह वाह वेल डन, ये सोचने वाली बात है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपका आंसर ने डिटेल में दिया, इसलिए हमने कहा देखिए सोचिए 19 मिनट में डिटेल में समझाया हुआ वीडियो कैसे हम आपको 2-3 मिनट में समझा कर दे देते, क्योंकि इसमें भारी किया है। एंड एट टाइम कुछ कहना चाहेंगे, कंक्लूड करते हैं। बस इतना ही काफी है। अगर जरूर हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया। सही, पूरी उम्मीद है हमें, क्योंकि कुछ ऐसे व्यूअर्स इनका समझ में आता है कि कौन रियल क्रिकेट फैंस है और कौन नहीं है, और हिमांशु जोशी मैं उनमें से एक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए रियल क्रिकेट चैनल के साथ।